और मेरे शॉपिंग लवर, तो कैसे आप सब? तो हाजिर हूँ मैं फिर से आप सभी के सामने एक नए ब्लॉग के साथ। मैं रियोन सिंह आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज के इस नए ब्लॉग में। दोस्तों आज का जो ब्लॉग होने वाला वो गेमिंग लैपटॉप्स के ऊपर होने वाला, नए लैपटॉप चल के देखेंगे। तो चले फिर फटाफट शॉप के अंदर चलते। उससे पहले अगर चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करेगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेगा सबसे पहले देखने के लिए। तो हम लोग शॉप के अंदर आ चुके हैं और बहुत बहुत स्वागत है भाई का हमारे चैनल में। जैसा कि मुस्कुरा रहा है भाई, तो सबसे पहले भाई का नाम जानते हैं। भाई ना, मेरा नाम है काशान शेख, ठीक है। सोनभद्र प्लाजा ग्राउंड फ्लोर पे अपनी लैपटॉप हाउस की शॉप है, ठीक है। और आज हम लोग किस लैपटॉप पे बात करेंगे? मैं आज अपने लैपटॉप एचपी विक्टस के बारे में बात करेंगे जो गेमिंग में आता है, ठीक है। अच्छा। तो ये देखिए, अपने पास है कोर i5 12 जनरेशन 12450H 16512 RTX 3050 4GB ग्राफिक कार्ड के साथ, ठीक है। ठीक है, इसको खोल के दिखाइए जरा। खोल के दिखा देते हैं आपको हम, ये देखो। और इसके प्राइस की बात करें तो क्या प्राइस? मिनिमम 75,000 रुपए आपको मिल जाएगा। बेस्ट अच्छा। चीज होगी इसमें 4GB ग्राफिक कार्ड ब्लू कलर के साथ होगा। ये देख लो, पन्नी भी खोल दे रहे हैं भाई, और पन्नी से बाहर आ गया। ये देख लो, एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन ये निकल के आ गया। सामने से लुक कुछ ऐसा आप देख सकते हैं। और बाकी अगर इसके प्राइस की बात करें तो क्या रेंज होने वाला? 75,000 रुपीज़ विद एक्सेसरीज के साथ। गेमिंग लैपटॉप के साथ बैग नहीं आता, मगर मैं आपको सब कुछ दूंगा। बैग, स्क्रीन गार्ड, की गार्ड, माउस, सॉफ्टवेयर, एक साल का एंटीवायरस भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो जैसे आपने इसकी जो प्राइस बताई है, क्या बताई है आपने प्राइस? 75,000। तो इससे कम में भी अवेलेबल होगा? कम में भी अपने पास अवेलेबल है, 52,000 रुपए में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो जैसे कि ये देखो, पीछे जो है काफी सारे मॉडल्स रखे हुए, इनकी भी बात कर लेते हैं। भाई कह रहा था 52,000 में भी है, उसको भी देखेंगे। उससे पहले हम लोग ये जो रखे हैं इनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो जी भाई, भाई ये आपका नॉर्मल सीरीज आएगा, ठीक है। ठीक है भाई, 12-35U 8512 विंडोज 11 ऑफिस 2021 के साथ, ठीक है। ठीक है, ये आप देख लो, ये भी गेमिंग लैपटॉप है, विदाउट गेमिंग है, विदाउट गेमिंग है, ठीक है। रेंज क्या होने ले इसकी? रेंज इसकी 55,000 रुपए है। 55,000 जी। तो ये देख लो, ये खुल रहा है, आपको खोल के हम दिखा दे रहे हैं। ये एक नंबर, ये बाहर आ गया। और कलर देख लो यार, ये आपके सामने खुल के आ गया। अच्छा भाई, जैसे आप प्राइस बता रहे हैं, जैसे उसका 75,000 बताया था, तो निगोशिएबल होगा कुछ? जो होगा सर, बेस्ट प्राइस आपको हम दे देंगे एक बार मेरी विजिट करें शॉप में, ठीक है। तो देखो एक ये खुल गया, ये हट गया, और आप लुक देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। मॉडल वगैरह तो भाई ने बता दिया, इसके प्राइस की बात कर लेते हो तो क्या रेंज होने वाली है? 55 का है। अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी होगा तो मैं आपको ये 53,000 का दे दूंगा। अच्छा, स्टूडेंट आईडी होने के बाद 53 का आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप विजिट कर सकते हैं। और देखो, अगर पढ़ने के पर्पज से ले रहे हैं तो बेस्ट है, और अगर ऑफिस के पर्पज से ले रहे हैं तो ये सुपर बेस्ट है। तो देखो ये 52,000 वाला आ गया, ये भी गेमिंग लैपटॉप है भाई? ये 4GB ग्राफिक कार्ड गेमिंग लैपटॉप के साथ है, ठीक है। ये देख लो, ये खुल के आ गया बाहर, और आप देख सकते हैं, देख लो भाइयों, आपके लिए पूरा पूरा लैपटॉप खुलवा दे रहे हैं। आप क्या चाहिए, विजिट करो शॉप में और फटाफट लेके जाओ, डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। और ये देख लो, ये 4GB ग्राफिक कार्ड के साथ आपको मिलेगा, ठीक है। इसकी स्पेसिफिकेशन बताओ थोड़ा। इसमें राइजन 5 5600H प्रोसेसर के साथ है, ठीक है। इसमें 8GB रैम है, 512GB SSD प्लस 4GB RX 6500 ग्राफिक कार्ड के साथ है, ठीक है। 144Hz रिफ्रेश रेट है इसका, ठीक है। और हम आपको इसका लुक दिखा देते हैं। फ्रंट लुक आप देख सकते हैं ऐसा है, ये आपको यहाँ पे लोगो मिल जाएगा। कीपैड की बात करें तो आप ये देख सकते हैं, और बैक की बात करें तो देखो कुछ ऐसा लुक आ जाएगा आपका, है ना। और इसके बैक की बात करें, ये देख लो पीछे से, तो पीछे से देखने में कुछ इस तरह का है। डबल थर्मल के साथ है, नो हीटिंग इशू, ठीक है। और जैसे अगर आप बेड वगैरह पे काम कर रहे हैं, आपके पास बेड टेबल नहीं है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से हीट वगैरह नहीं करेगा। और रेंज तो आपको बताई दी थी 52,000। और आओगे तो कुछ ना कुछ तो समझ लेगा भाई अपना। और बात कर लेते हैं इनकी, ये देखो ये भी रखे हुए, ये भी गेमिंग लैपटॉप है ना भाई? जी ये भी तो गेमिंग लैपटॉप वो भी है, उनके ऊपर भी बातचीत कर लेते हैं हम लोग। रेंज क्या होने लगी भैया इनकी? अब इसकी रेंज होगी कोर i5 12 जनरेशन 12500H 16512, ठीक है। ठीक है, इसकी रेंज होगी 60,000 रुपीज़ 60,000, ठीक है। तो इसको भी खोल के हम दिखा देते हैं आपको। ये देख लो, ये खट से चाकू लगा और खुल गया बाहर, उल्टा खुला, ये सीधा हो गया, पन्नी से बाहर आ गया,
और देखो आपका बजट कोई भी हो यहाँ पे चीजें मिल जाएंगी। और एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, पहले इसको देख लेते हैं उसके बाद। तो डिटेलिंग वगैरह तो भाई ने बता दी, और रेंज की बात करें तो क्या रेंज होने वाला है? 60,000। तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए लुक वाइज कुछ ऐसा है, और सामने आपको ये देखो लोगो मिल जाएगा और वेल एंड गुड है। फिनिशिंग आप देख सकते हैं, बैक की बात करें तो कुछ ऐसा है, और इसकी तरफ की बात करें ये बैक की तरफ तो ये देख लो कुछ इस तरह का है। और प्राइस आपको बता दी, स्पेसिफिकेशन भी आपको भाई ने बता दी है ना। और बात कर लेते हैं, जैसे हम लोग नए नए लैपटॉप्स की ओपनिंग कर रहे हैं, और भाई के पास जो है सेकंड हैंड में भी अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं एक दो लैपटॉप्स यहाँ शॉप में रखे हुए, शॉप घुमा देते हैं हम। ये देखिए ये रखे हुए हैं लैपटॉप, ये देखिए ये सामने जो है ये सेकंड हैंड लैपटॉप रखे हुए हैं। तो जैसे अगर आपको नए में चाहिए तो नए में भी मिल जाएंगे, और जो है सेकंड हैंड में चाहिए तो सेकंड हैंड में भी मिल जाएगा। और बात कर लेते हैं, देखो एक ये रखा हुआ इसकी भी बात कर लेते हैं। तो जी भाई ये राइजन 7 ठीक है 5812 प्लस इसमें RTX 3050 है, सेम कलर पे होगा ये भी। अच्छा सेम कलर है, सेम कलर डिट्टो सेम ठीक है। और रेंज क्या होने भैया इसकी? इसकी रेंज होगी 75,000 रुपए। कितने इंच का होगा ये? 15 इंच का होगा। ये 15 इंच सेम होगा। अच्छा सेम एकदम, कुछ जो है प्रोसेसर अलग होगा बस, इसमें कुछ अलग है इसमें कुछ अलग है, इस वजह से प्राइस का भी थोड़ा ऊपर नीचे। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका बजट ये वाला है तो ये लो, ये वाला है तो ये लो, उसमें भी प्राइस आपका कम हो जाएगा। मेरा नाम लेके आओगे तो सही कह रहे हैं कि नहीं जी? एक नंबर। तो आप देख सकते हैं, और शॉप तो हमने आपको दिखाई दी, सेकंड हैंड में भी यहाँ पे डील हो जाती है। और जैसे बात कर लेते हैं हम लोग ये लैपटॉप ले रहे हैं, तो इसके ऊपर आप काम करने में थोड़ा कंफर्ट ना फील करें। किसी किसी को कीबोर्ड भी चाहिए होता है अलग से, तो कीबोर्ड भी भाई के पास मिल जाएगा। मैं दूंगा फ्री में गिफ्ट, कीबोर्ड आपके नाम पे, कीबोर्ड फ्री में दे देंगे। नॉर्मल होगा, हार्ड नहीं होगा। अच्छा आपके नाम पे एक बार हम देख लेते हैं जो है कीबोर्ड भी। तो ये देखो कीबोर्ड आ गया है ना, और ये भाई जो बोल रहा है कि अगर आप नया लैपटॉप लेते हैं तो उसके साथ ये फ्री में मिल जाएगा आपको। इसके साथ माउस अवेलेबल होगा जी, वायरलेस होगा, कॉम्बो पूरा ठीक है, माउस भी मिल जाएगा, कीबोर्ड भी मिल जाएगा। तो एक बार इसको खोल के दिखाइए ज़रा आपको, हम खोल के दिखा देते हैं। ये देखिए, ये देख लो पूरा एकदम नया नया है, और ये देख लो बगल में माउस भी रखा हुआ बेटा, ये देख लो है ना, और वेल एंड गुड है यार। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आराम से इस पर कर सकते हैं। इसकी बटनें जो है जल्दी ख़राब हो जाती हैं, इस वजह से आदमी सोचता है कि इस पर काम किया जाए, तो ये सही भी होता है। और जैसे आप इसको फ्री में दे रहे हैं है ना, कोई अगर सिर्फ कीबोर्ड लेने के लिए आए तो थोड़ी अच्छी रेंज में और जो है ऊपर की रेंज में आपके पास अवेलेबल होगा जी। जैसे इसकी बात करें तो ये इसका प्राइस क्या होने वाला विदाउट? 800 रुपये में दोनों मिल जाएगा जी। इसके ऊपर, इसके ऊपर आपको 1500 का भी मिलेगा, 2500 का भी मिलेगा, 3500 का भी। एक दो मॉडल जो है आप दिखाइए जरा, जैसे 1500-2500 वाले मॉडल। ये गेमिंग कीबोर्ड आते हैं। अच्छा गेमिंग का एंड स्पोर्ट का आपका। अच्छा ठीक है, ये देख लो, ये खोल के नहीं दिखा सकता हूँ, सील है, वेल एंड गुड है। और प्राइस तो आपको बता ही दिया भाई ने, 1500 में आपको अवेलेबल हो जाएगा, और मेरा नाम लेके आओगे उसमें भी निगोशिएशन हो जाएगा है ना। तो आपने देखा नए भी देखे हैं, भाई के पास सेकंड हैंड भी है। आपको दे दूंगा 3000 रुपए। ये 3000 का ब्लूटूथ कीबोर्ड है। ओके आपको ये 3000 में मिल जाएगा। बैग दिखा दीजिए जरा, इसकी स्पेसिफिकेशन बता दीजिए भाई। इसमें वायरलेस है, वायरलेस है, ब्लूटूथ मोबाइल से, ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा आराम से, मतलब जैसे फोन से चलाना चाहे तो फोन से भी चलेगा, और इसमें टैब भी रख सकते हैं। अच्छा टैब भी रख सकते हैं, तो ठीक है। ये देखो ये रखा हुआ है इसमें टैब, ऐसा ही कुछ लुक आएगा जब बाहर से निकाल के आप रखेंगे। और प्राइस एक बार फिर से बता दीजिए, 3000 में ये आपको मिल जाएगा। और ये भी रखा हुआ, जिस हिसाब का आपका बजट हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। और ये लैपटॉप भी है सेकंड हैंड में भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, फिर से मैं कहता हूँ है ना। और भैया से मिल के बहुत अच्छा लगा। देखिए बैक में आपको दिखा देते हैं, काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे है ना। नए की बात कर रहे थे हम लोग, नए तो रखे हुए हैं, कीबोर्ड भी यहाँ पे रखे हुए हैं, और माउस वगैरह भी आपको मिल जाएगा है ना। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच।